हेलो दोस्तों, आज मैं अपने दुकान में समोसा का मसाला बनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। लेकिन समोसा का मसाला बनाने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज, हिंदी कुकिंग बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने समोसा का मसाला बनाने के लिए अदरक और मिर्ची ली है जो कि 250 ग्राम के लगभग मैंने ले लिया है। अब मैं अदरक और मिर्ची को अच्छी तरीके से पेस्ट के रूप में मैं तैयार कर लूँगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं इसको तैयार भी कर लिया है। तो इसी प्रकार से मैंने ओखला के माध्यम से ग्राइंडिंग जार के माध्यम से तैयार कर देना है। दोस्तों, समोसा का मसाला बनाने के लिए है धनिया पाउडर, ये है नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये है बादाम, और ये है हल्दी पाउडर। दोस्तों, मैंने समोसा का मसाला तैयार करने के लिए लगभग 15 केजी मैंने आलू छील करके रेडी कर दिया है। और फाइनली दोस्तों, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है जो कि लोहे वाली कढ़ाई है, और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालकर मैं मसाला तैयार करूँगा। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छे तरीके से हीट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। अब जीरा डाल देने के बाद इसमें डालना क्या है, जो मैंने अदरक और मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें डाल देता हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे फ्रेंड, कैसे मैं बनाता हूँ जो आपको देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाऊँगा। समोसा का मसाला बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेरी दुकान तो में। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगा। तो आलू के हिसाब से मैंने 2 या 3 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर को मैंने इसमें डाल दिया। तो फाइनली दोस्तों, अब इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें डालूंगा लगभग 15 केजी आलू है, तो मैंने इसमें 12 से 13 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो फाइनली देखेंगे किस प्रकार से मैं मसाला को रेडी करता हूँ। तो ये रहा नमक, नमक को भी मैंने 12 चम्मच के लगभग मैं डाल देता हूँ। अंदाजा से मैं डाल दे हूँ लगभग 12 चम्मच ही मैं डालता हूँ। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और भी मैं इसमें मसाला ऐड करूँगा जो आपकी जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको अपना घर में अगर जो बनाना है तो थोड़ा सा आलू के हिसाब से मसाला कम डालेंगे। ये रहा धनिया पाउडर जो कि मैंने 3 चम्मच इसको डाल दिया हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, रोस्ट करना है, बहुत ही बढ़िया से रोस्ट करना है। ये नहीं कि जला देना है और ना ही इसको कच्चे रखने देना है। ये रहा हरा मटर जो कि मैंने इसको फुला दिया और थोड़ा सा बॉइल कर दिया, और इसको मैं इसमें डाल दिया हूँ। तो इसको भी अच्छे तरीके से डाल करके रोस्ट करते जाना है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं मसाला ऐड करूंगा जो कि गरम मसाला, या फिर आप इसके जगह पर चिकन मसाला को आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा गरम मसाला का पैकेट, मैं इसमें डालूंगा और अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तो मैंने 3 पैकेट गरम मसाला लिया है और सभी को मैं इसमें डाल दूंगा। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और इसको लगभग मैं 8 से 9 मिनट तो इसको पकाता ही हूँ, क्योंकि जब तक अगर अच्छे तरीके से पक नहीं जाएगा तो समोसा का मसाला टेस्टी नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से पका लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मसाला किस प्रकार से रेडी हो गया है। तो फाइनली दोस्तों, अब मसाला रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें आलू डालूँगा। तो ये रहा मेरा फ्रेंड आलू जो कि मैं इसमें डाल देता हूँ। लगभग ये 12 से 15 केजी के बीच तो आलू है। तो इसको मैं छोलनी के माध्यम से, या फिर जिससे मैं समोसा छानता हूँ जिसको झंझरा हम लोग बोलते हैं, उसके माध्यम से इस आलू को अच्छी तरीके से तोड़ देते हैं। मतलब इसको इतना तोड़ते हैं ना कि ये चोखा के रूप में तैयार हो जाता है। चोखा आप लोग समझते होंगे, मैं इस समोसा का मसाला ही कहूँ, मैं चोखा बोल रहा हूँ। समोसा के मसाला को मैं चोखा बोल रहा हूँ तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इसको अच्छी तरीके से सबसे पहले मैं मिक्स कर देता हूँ। इसलिए मैं मिक्स करता हूँ कि मेरा समोसा का मसाला जल ना जाए। इसको छोलने के माध्यम से मैं इस प्रकार से तोड़ते तोड़ते इस प्रकार से मैंने कर दिया है आलू को। तो लगभग इसको 10 मिनट तक तोड़ते रहना है। 10 मिनट के बाद देखेंगे तो इस प्रकार से समोसा का मसाला फाइनली दोस्तों बन करके रेडी हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये समोसा का मसाला, जो कि जब समोसा में ये पैक होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। अगर समोसा खाने का मन करे तो मेरे दुकान चले आना। लेकिन हाँ, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना। तो फाइनली दोस्तों, मेरा समोसा का मसाला जो है बन करके रेडी हो गया है। आप इसको खा सकते हैं समोसा में डाल करके। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, कोई भी रेसिपी बनवाना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस यहीं तक।